पहले बना उप स्वास्थ्य केंद्र उद्घाटन से पहले ही खंडर में तब्दील होना शुरू हो गया है। भवन में लगी टाइल्स पूरी तरह से उखड़ चुकी हैं और दीवारों में दरारें आना शुरू हो गई हैं, जिससे नागरिकों ने भवन निर्माण में भारी भ्रष्टाचार बरतने की शिकायत की है, जबकि जिम्मेदार अधिकारियों ने इसकी जांच करने की जहमत तक नहीं उठाई। जबकि जिम्मेदार नेताओं ने भी दोषियों पर कार्रवाई करने के बजाय इस पूरे निर्माण कार्य को लेकर पक्ष विपक्ष की राजनीति शुरू कर दी है। कांग्रेस के नेता इसे बीजेपी के शासनकाल में बना बता रहे हैं, तो जबकि बीजेपी के नेता कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि लेकिन ये बड़ा सवाल यह है कि इस भ्रष्टाचार के मामले में दोषियों पर कार्रवाई की पहल क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि ये पैसा तो आखिर जनता का ही है। ये 6 महीना हो रहा है कंप्लीट होके, हाँ, पूरा उखड़ गया है ये फ्लोरिंग। हाँ, 6 महीना पहले बना हुआ था। हाँ, ठेकेदार के कोई लेबर लोग आए थे और ग्राम पंचायत में रुके हुए थे। हाँ, लोग बनाए। हाँ, भवन पूरी तरह से चिन्ह चिन्ह बनी हुई है। जानकारी मिली है कि भवन जो है विगत 6 महीना 1 साल पूर्व बनाई गई है और पूरी तरह से यहाँ पे जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। सबसे बड़ी सवाल यह है कि यहाँ पे विधायक का डी ग्राम है और विधायक जी बिल्कुल मौन साधे हुए हैं। और अधिक जानकारी के साथ संबंध से जुड़ गए पुरुषोत्तम पात्र। पुरुषोत्तम, ये उप स्वास्थ्य केंद्र की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और ये उप स्वास्थ्य केंद्र अब अपना इलाज करा ले कुछ इस तरीके से आलम शुरू हो चुका है, लेकिन अब तक इसका जो उद्घाटन है वो क्यों नहीं हुआ और ये इस हालत में क्यों है? ये जो मामला जो है काफी मतलब एक भ्रष्टाचार का आईना कहना चाहिए, भ्रष्टाचार को उजागर करता हुआ एक महत्वपूर्ण बिंदु बन गया है, क्योंकि ये जो है बीजेपी सरकार काल में इस भवन का निर्माण हुआ और ये जो निर्माण है मटिया जो कि विधायक के गृह पंचायत है, यहाँ क्षेत्रीय विधायक जो भाजपा के डमरूधर पुजारी हैं उनके गृह ग्राम में करीब 15 लाख रुपए की स्वीकृति जो है मिली थी और CGMSC खुद स्वास्थ्य विभाग की एक एजेंसी को इसको बनाया गया था और स्वास्थ्य विभाग को उप स्वास्थ्य केंद्र था, यानी कि कहना चाहिए कि जैसे स्वास्थ्य विभाग को उनके खुद के लिए भवन निर्माण किया जाता है और उसमें इस तरह का अगर भ्रष्टाचार हो और वो भी भ्रष्टाचार विधायक के गृह ग्राम में, तो निश्चित तौर पर चर्चा का विषय बनना चाहिए। और क्योंकि 15 लाख खर्चा करने के बाद भी वहाँ जो है भवन का लोकार्पण तक नहीं हुआ, इसलिए वो क्योंकि दीवारें वहाँ जो दीवारों में काफी दरारें आ गई हैं, वहाँ के टाइल्स भी सरकने लगे हैं, जबकि आज तक भी वहाँ कोई प्रवेश नहीं किया है और बनने के 6 महीने के अंदर ही भवन की जर्जर हालत, वहाँ के भ्रष्टाचार किस तरह से खुलकर भ्रष्टाचार किया गया, इस बात को वो प्रदर्शित कर रहा है। दीपक पुरुषोत्तम, वर्तमान में वहाँ पर विधायक कौन है, किस पार्टी का है? यहाँ पे जो बिंद्रानगर विधानसभा क्षेत्र आता है यहाँ के जो है भाजपा के विधायक हैं डमरूधर पुजारी और ये जो निर्माण कार्य जो है भाजपा शासन काल के दरमियान हुआ था, भाजपा की सरकार थी उस समय हुआ था और जो है वो मटिया जो है जिस जगह पे उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हुआ है वो जो है भाजपा विधायक के गृह ग्राम में ही बना हुआ है, इसलिए अब क्या है इस मुद्दे को अब कांग्रेस भी हाथों हाथ ले रही है और उसका जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया, क्योंकि उनकी जेब से पैसा नहीं गया, इसलिए निश्चित तौर पर उनको एक विधायक के साथ साथ उस गांव के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते भी उस समय ध्यान देना था उनको, लेकिन जिस तरह से अफसरों और उच्च अधिकारियों की जो मिली उच्च अधिकारी और जो ठेकेदार की मिली भगत से इस तरह का घटिया निर्माण किया गया है वो कहीं ना कहीं प्रशासन सिस्टम के अलावा जो जिम्मेदार लोगों हैं उन पर मिली भगत की ओर इशारा करता है और कहीं ना कहीं एक सिस्टम पर ये सवालिया निशान भी उठाता है। दीपक पुरुषोत्तम, इसके बाद प्रशासन अब क्या कुछ कर रहा है इसके जो खिलाफ जो दोषी हैं जिन्होंने ये घटिया निर्माण कराया है उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की कुछ बात का जिक्र किया है प्रशासन ने? जी देखिए, चूंकि CGMSC इसका निर्माण का एजेंसी था और CGMSC ही ने बनवाया, यानी कि स्वास्थ्य विभाग ने ही इसको बनवाया था, अगर ये बिल्डिंग अगर किसी दूसरे निर्माण एजेंसी बनाती तो निश्चित तौर पर ये बात खुलकर पहले सामने आ जाती, क्योंकि अब हम गए हैं वहाँ पे मीडिया से इस बात का आज खुलासा हुआ है तो ये समय आगे वाला समय बताएगा कि किस तरह से वहाँ पे कार्रवाई होगी, क्योंकि जो भाजपा के कांग्रेस के जो प्रत्याशी रहे हैं संजय नेताम ने भी इसमें जांच की मांग कर दिया है, तो उसके बाद अब देखने वाली बात होगी कि इसमें किस तरह की कार्रवाई होती है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए पुरुषोत्तम आपका शुक्रिया। वैयाटी क्षेत्र की ग्राम धमोरी पंचायत के अंतर्गत आने वाली